कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र एटिक इसका विधिवत उद्घाटन इस नए भवन में सत्रह जनवरी 2003 को संपन्न हुआ था जो कि माननीय श्री गोविंद सिंह जी गुजर कृषि मंत्री राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा तथा माननीय डॉक्टर बी डी कल्ला नगरीय विकास कार्मिक एवं पर्यटन मंत्री राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में किया गया एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सेंटर एटिक नई दिल्ली आईसीआर द्वारा स्वीकृति के उपरांत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्वीकृत किया गया और तभी से अनवत रूप से किसानों की सेवा में संलग्न है यहाँ पर किसानों की कृषि से संबंधित सूचनाएं, पशुपालन से संबंधित उन्नत तकनीक आदि विषय पर अनेक प्रकार के प्रकाशन और पुस्तक पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध कराए जाते हैं किसान एटिक सेंटर विजिट करते हैं और यहाँ पर आकर उनको उन्नत खेती के तकनीक और समाचार उपलब्ध कराए जाते हैं विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा विकसित उन्नत खेती की तकनीकियों के विभिन्न प्रकार के प्रकाशन विश्वविद्यालय द्वारा एटिको उपलब्ध कराए जाते हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं जो कृषक भाई एटिक विजिट करते हैं उनको इन सभी सूचनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है ताकि वो अपनी खेती को उन्नत बनाने के तकनीकों के बारे में अधिक विस्तृत तरीके से समझ पाएँ ज्ञान अर्जन कर सकें तथा अपनी आय दुगनी करने की ओर अग्रसर हो सकें एटिक का बहुत ही एक प्रमुख प्रकाशन चोखी खेती के नाम से प्रति माह यहाँ से निकाला जाता है जिसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क पचास रुपये है यह शुल्क विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय में नकद जमा कराया जा सकता है तथा घर बैठे किसान को कृषि पशुपालन गृह विज्ञान आदि संबंधित सूचनाओं को संकलित कर उनको प्रेषित किया जा सकता है कोरोना काल में भी किसानों को चौकी खेती ई संस्करण के रूप में उपलब्ध कराई गई एटिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना इस हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न बीज उत्पादन इकाइयों से प्राप्त बीज को उपलब्ध कराया जाता है और किसानों के बीच इसकी अच्छी मांग है तथा इसके द्वारा वो अपनी पैदावार को उन्नत कर सकते हैं और अपनी आय वृद्धि के लिए कारगर साबित हुई हैं